पितरेश्वर हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समापन पर आज महायज्ञ की समाप्ति के साथ नगर भोज होने जा रहा है। सारा आयोजन देशी अंदाज में होगा। यहाँ तक कि पत्तल भी कागज या थर्माकोल की नहीं, पत्तों से बनी होगी। इतनी मात्रा में इंदौर से नहीं मिली तो आयोजकों ने उज्जैन से बुलवाई। 11 कुंडीय यज्ञ में 40 लाख आहूतियाँ दी गईं, जिसमें 125 डब्बे शुद्ध घी, 51 किलो सूखे मेवे, 40 क्विंटल तिल्ली, 20 क्विंटल चावल सहित यज्ञ सामग्री लगी। शाम 4 बजे से शुरू होने वाले अनूठे भंडारे में 10 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसको लेकर कल से भोजन की तैयारी शुरू हो गई है। शुद्ध घी से नुक्ती तैयार की गई तो आज सुबह से पूड़ी बनना शुरू हो गई है। पूड़ियां बनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सेवाएं दे रही हैं। दूसरी तरफ राम भाजी तैयार करने के लिए सुबह से सब्जी साफ करने और काटने का काम शुरू हो गया। सभी 10 स्थानों पर सब्जियां बनाई जा रही हैं। सबसे बड़ा भोजन पितरेश्वर धाम पर होगा, जिसमें 2.5 लाख लोगों के प्रसाद ग्रहण करने का अनुमान है। भोजन पूरी तरह से देशी अंदाज में होगा। बकायदा पंगत लगाई जाएगी। भोजन देशी पत्तलों यानी पत्तों से बनी होगी। इंदौर में इतनी मात्रा में पत्तले नहीं मिल रही थी, लेकिन विधायक रमेश मेंदोला पर्यावरण को देखते हुए कागज और थर्माकोल की पत्तल में भोजन नहीं कराना चाहते थे। बाद में जानकारी निकाली गई तो मालूम पड़ा कि उज्जैन में इतनी संख्या में पत्तले मिल जाएंगी। पानी के लिए टैंकर लगाए गए हैं, जिनमें नल की व्यवस्था होगी। पानी के पाउच व बोतल नहीं रखे गए हैं। व्यवस्था संभाल रहे राजेंद्र राठौर व चंदूराव शिंदे के मुताबिक योजना है कि भक्त आते जाएंगे और उन्हें बैठाया जाएगा। भोजन के बाद अपनी पत्तल लेकर वो उठ जाएंगे तो जगह खाली होने पर दूसरे भक्तों को बैठा दिया जाएगा। किसी को इंतजार नहीं करना होगा। इसको लेकर लगातार मंच से माइक पर पत्तल को डस्टबिन में डालने का आग्रह किया जाएगा। आयोजन समिति के मुताबिक 24 फरवरी से पितरेश्वर धाम पर संग्रह मख अतिरुद्र महायज्ञ चल रहा है। महामंडलेश्वर चिन्मयानंद महाराज व आचार्य राजेश शर्मा के निर्देशन में चल रहे महायज्ञ की आज पूर्णा होती है। 11 कुंडीय यज्ञ में अब तक 40 लाख आहूतियां दी गई हैं। इस अनुष्ठान में 151 पंडित लगातार लगे हुए हैं। आचार्य शर्मा के अनुसार यज्ञ में अब तक 125 डिब्बे शुद्ध घी, 51 किलो सूखे मेवे, 40 क्विंटल तिल्ली और 20 क्विंटल चावल सहित यज्ञ सामग्री लगी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।